हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने अभी जाली का दरवाजा लगा दिया है ताकि मक्खियां वगैरह ना आए, और मौसम आज बहुत अच्छा हो गया है, राहत मिल गई है गर्मी से। आप जान में जान आएगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी बारिश नहीं हो रही है, सुबह में बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन शायद आसपास कहीं बारिश हुई हो, शायद देहरादून में बारिश हुई हो, जिसकी वजह से हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है और काफी तेज चल रही है, और बाहर धूप भी नहीं है, हल्की है धूप भी। और मैं आपको पहले पनीर दिखा देती हूँ, फिर आगे का वीडियो शुरू करते हैं। जो रात मैंने बनाया था पनीर, इसलिए ये कपड़े में चिपकाया। अगर ये दिन में होता और मैं इसको टाइम पे निकाल लेती कपड़े में से, तो ये इस तरीके से चिपकता नहीं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर बाहर छोड़ते तो खराब भी हो जाता। तो और ये पनीर बनाने का सोचा भी नहीं था, अचानक दूध फट गया, पनीर बनाना पड़ा, तो इसको मुझे किसी बर्तन में डाल के रखना पड़ेगा पानी के साथ, वरना ये खराब हो जाएगा। खराब मतलब ये पीला पीला हो जाएगा ऊपर से, अगर ये पानी में पूरा नहीं डुबोएंगे तो इसको पानी में डुबो देती हूँ। जब आप स्कूल जाओगे ना, मैडम भी आपका वीडियो देखती है, पता है, अब वो देख रही होंगी कि तन में ने नेल पेंट लगाया है, फिर आप क्या करोगे? मैं तो पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर के पास जाओगे क्यों? ऐसे ही क्यों? ऐसे ही क्यों? वीडियो थोड़ी बना रही हूँ मैं, जो आप कैमरे की तरफ देख रहे हो। कहाँ पे आपका ट्यूशन? मेरा ट्यूशन? हाँ, आपका ट्यूशन? मेरा ट्यूशन तो चर्च के आगे है। चर्च के आगे है? हाँ। इतनी दूर चले जाओगे आप? कैसे जाओगे? डर तो नहीं लगेगा आपको? तेज बोला करो, मम्मी के कान में प्रॉब्लम है। मैं अपने पापा के साथ जाऊंगा। पापा के साथ जाओगे? तो ट्यूशन कितने बजे बुलाया है? 7 बजे। 7 बजे? अंधेरा हो जाता है 7 बजे तो। कोई नहीं, 7 बजे खुल जाएगा वो। कोई नहीं, डर तो नहीं लगता आपको? आज तो वैसे भी बारिश आ रही है, हवा चल रही है। तो आप भी चलो मैं स्कूल। मैं भी चलूं? चलो मैं आपको छोड़। चलो मैं आती हूँ आज अपने बेटे। बाय बेटा, बाय बेटा, आप जा रहे हो ट्यूशन पढ़ने? मम्मी, मम्मी साथ। तो रोजाना मेरे घर में 1 घंटे तक ऐसे चलता है कि गुड्डू और तन्मय दोनों मिलकर, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये दोनों जो है, गुड्डू टीचर बन जाती है और तन्मय उसका स्टूडेंट बन जाता है। इस तरह से ये खेलते हैं, और इस खेल में भी कहीं ना कहीं पढ़ाई हो जाती है, क्योंकि गुड्डू तन्मय को पढ़ाती है। तो तन्मय का भी जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गुड्डू से उसने सीखी हैं, तो ऐसा अच्छा है, होना चाहिए बच्चों में। तो ये दोनों इस कमरे में, गुड्डू इसको ब्लैक बोर्ड पर समझाती रहती है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं देखती भी रहती हूँ, कई बार सुनती भी रहती हूँ दूर से बैठकर, तो मुझे इनके इस गेम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे जो है तन्मय का और गुड्डू का वही सब चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आया था कि आप उस टाइम का वीडियो बनाना और हम लोगों के साथ शेयर करना, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज कर लिया जाए। चलो हो गया, बदला पूरा हो गया, बस बस दीदी को बहुत मारूंगी, बता रहे नहीं मारेगी। अरे वाह, मेरे बच्ची ने वन बनाए हैं ये खुद से। अरे वाह, छोटे छोटे हाथों पे नेल पेंट, आए हाय, मैं मर जाऊं। ये नेल पेंट किसकी है? देखो ऊपर मुंह करके देखो तो, मेरी नोनी ने नील पेंट लगाई है। अब एक पेंट और बना दो, उसके बाद आपको वन पेज कंप्लीट हो जाएगा। बस बस, मेरे बच्चे को एक ही पेज। ये मम्मी फिर आ रही है। अभी मम्मी कह रहे हो, अभी तो कह रहे थे मम्मी आप इसको, वो छोटा है उससे नया लाते हैं, इसका मैं भेजना। हाय, क्यों रुला रहे हो? फोन आया ये हमारे घर में है। हेलो, अंधेरा आ रहा है। हाँ, पंखा चला लें, इतनी भी ठंड नहीं पड़ी देहरादून में। ठंड पड़ी थी, डॉक्टर कितना होगा, बहुत ज्यादा, जल्दी निकाल लो। रजाई निकाल, सही बात है। अरे टाइम वाले थी। अच्छा, मैं अभी ले आऊं क्या? ले आऊं जी।
अभी मैं और भाभी कर रहे थे पागलपंती, और यहाँ सारे में जो है ये सामान पड़ा हुआ है, और है होना चाहिए कभी कभी पागलपंती भी जरूरी है, हंसना भी चाहिए खामोखा की चीजें कर करके। तो टीका वीका लगाया नर टीका, और भाभी ये भी हेलो, और भाभी ऐसा नहीं है रोज आती है, भाभी कमेंट्स आ रहे थे भाभी कहाँ है, तो शाम में रोज आती है भाभी, पर भाभी वीडियो में नहीं आ पाती। कई बार ऐसे होता है कि उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना रही होती हूँ, मतलब बाद में बन चुकी होती है या पहले बन चुकी होती है, तो कुछ ऐसा रहा होता है। तो हम लोग रोजाना मिलते हैं मैं और भाभी, ऐसा नहीं है कि हम आज ही मिले हैं, आप सबके सामने आज हम दोनों दिखे हैं। तो जितनी बातें करनी है आपको भाभी से आप लोग कर लीजिए, चलो करो। वो पूछ रहे हैं भाभी कैसी हो, ठीक है आप सब कैसे हो, पूछ रहे हैं भाभी क्या करा था आपने इतने दिन, क्यों नहीं आए वीडियो में, रख दिए उसमें। तो क्या लेंगे आप, ठंडा गरम? यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने और भाभी के लिए लस्सी, और यहाँ पे मैंने आप सबके साथ बातें की थी, लेकिन फिर वही हुआ कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है और आवाज़ बहुत ही ना के बराबर आई है वीडियो में। तो यहाँ लस्सी बना रही हूँ, और लस्सी बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनती है। बनाने को तो आप इसको कितना भी अच्छे से बना सकते हैं, कुछ भी डाल के इसको और बढ़ा चढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दही ली है, चीनी ली है, और थोड़ा सा बर्फ़ के टुकड़े डाले हैं, एक दो टुकड़े डाले हैं बर्फ़ के, और बस थोड़ा सा ठंडा पानी, और इसको चला दिया है ब्लेंडर से, और लस्सी बनकर तैयार हो जाती है। इतने में अगर आप रोवज़ा डालना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, कुछ लोग मलाई भी डाल लेते हैं, तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहते हैं उस तरीके से ये बन जाएगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ इसको। आप लोग भी पी लीजिए, और यहाँ पे सारा बेड फैला पड़ा है, मुझे अभी समेटना है। मम्मी हाँ मैं नारी का डब्बा, नहीं आप नीचे बैठ के, नीचे बैठ के गिर जाएगी, पहले पी लो खड़े होके। और मुझे पता ही नहीं था, दिख तो रही नहीं है हम। और पता ही नहीं था कि तन्मय को भी लस्सी पीनी है, क्योंकि आज पहली बार ही पी रहा होगा, ये तो शेक वगैरह पीते हैं, तो इसने हमारे कप थोड़े कम कम करवा दिए। मैंने कहा चलो अच्छी बढ़िया ठंडी ठंडी। आप भी ऐसे बोल रही थी ना ग्लास दे दे, मैं किचन में रखा हूँ, मैंने दिया नहीं, मैंने कहा मैं अपने आप रख के आऊंगी। मैं वीडियो चेक कर रही थी कि आवाज आई है नहीं आई है, तो एक वीडियो में नहीं आई है आवाज, तो उसमें वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो भाभी कह रही थी तू चाटेगी क्या अभी इसको, मैंने कहा देखी चाटूंगी इसको। तो मैं अभी आप लोगों को बाहर का मौसम दिखाती हूँ, पहले ये दो चार बर्तन कर लेती हूँ, फिर चलते हैं आपको बाहर लेके। मेरा काम कर रहे हो आप, देखो आप भी तन्मय क्या मेरा काम कर रहा है। तो भाभी बना रहे हैं मेरे लिए और अपने लिए चाय, मैं भाभी के घर आ गई हूँ, और अभी हम कहीं बाहर गए थे जो हमारी दूसरी जेठानी है उनके घर पे, तो अभी मैं और भाभी पियेंगे चाय, चाय अच्छे से पक चुकी है। फोन आ रहा है किसी का, आप लोग भी पी लीजिए। मैं कहाँ खाती हूँ नमकीन वमकीन, दाने कितने सारे हो गए मेरे मुंह। बिस्किट है अच्छे वाले, बिस्किट ना अच्छे वाले नहीं। ये गर्मी मुझे सौगात दे रही है, ऑयली स्किन है ना, इस वजह से और भी ज्यादा होते हैं, और भाभी का ठीक रहता है, पता चला आज ही हो गए, भाभी बोलेंगी तूने नजर लगा दी है ना। ठीक होने के लिए गया था मेरा कुकर जो है, इसीलिए आपको आप में से कुछ लोग नोटिस भी कर रहे होंगे कि वो कुकर कहाँ गया अचानक, तो इसमें ना वो बोल रहे थे ये था नहीं पहले, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि ये था उस टाइम, तो यहाँ एक रबड़ है कि ना ये थी ना ये था, पता नहीं वो घर आने पे निकल गया, मैं मतलब मुझे नहीं दिखा, इतनी छोटी चीज तो नहीं है ये, निकलती किसी में मुझे ना दिखती। इसमें क्या बनाओगे? इसमें मैं खाना बनाऊंगी, तो ये देखते हैं कल दोबारा से यूज करूंगी मैं, तो क्या होता है जब भी यूज करूंगी, कल जरूरी नहीं है कल यूज हो, तो देखते हैं इसको कि अब कैसे चलता है, इसमें सीटी आती है कि नहीं आती है। ना आई है, तो रबड़ नहीं थी ना इसमें, रबड़ नहीं थी। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे इस इधर ना इधर की साइड ये जो है इसके इधर ये जो आपको दिख रही है इधर ढक्कन की तरह इधर की इधर अंदर ये ब्लू कलर की रबड़ है, ये भी नहीं था, मुझे नहीं दिखा, ये अलग ही लग रहा है।
तो ये ज्यादा आदमी कभी खराब हो जाए मैं वापस देख रहा हूँ, अभी गारंटी में है ये। अच्छा है इसमें, इसमें पापड़ी है, ये आलू उसके हैं, आटे वाले हैं, वो उसके हैं, ये सूजी के, सूजी के भी हैं, आटे के भी हैं। तो ये सूजी के गोलगप्पे और आटे के गोलगप्पे और पापड़ी लेकर आए हैं, क्योंकि सोंठ रखी हुई है हमारे पास, दही भी है, तो वो होता है ना वो चाट सी बना के है ना, क्या बोलते हैं उसको, दही वाले जो होते हैं वो खाएंगे आज बना के, और ये मुझे बना के देंगे। आते ही इन्होंने बोले थे कि तुम बैठो और मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ प्लेट लगा के, तो एक प्लेट मैं भाभी की तरफ लगाकर देकर आऊंगी, एक प्लेट में हम दोनों खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे, उन्होंने मना कर दिया है, तो चलिए बनाइए मेरे लिए। तो आज ये बनाएंगे और मैं खाऊंगी। हरी चटनी नहीं है, अगर हरी चटनी हो तो चम्मच सौंठ के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि सौंठ बची हुई है तो मैं थोड़े से भल्ले और बना लूँ, बनाऊ बना एक दिन, फिर तो मैं घर जा रही हूँ, आजकल नहीं बनेंगे बनेंगे तो। तो मैं देकर आती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। मैंने खाना नहीं खाया है, बस वो पापड़ी भी नहीं बनाकर खाई, क्योंकि दो जो दो तीन दही बल्ले बोल रही हूँ, दो तीन वो जो गोलगप्पे थे उसके अंदर दही डाली तो वो इतना हैवी हो गया दही की वजह से, चटनी सौंठ थी जो इमली की चटनी वो डाली थी, तो पापड़ी वगैरह रखी हुई है, देख लेंगे कल बना लेंगे उसको, एयर टाइट डब्बे में रख के मैंने फ्रिज में रख दिया। हाँ कल मुझे वो डाल के दोगे दही? हाँ दे दूंगी दही डाल के। तो चलिए फिर अब मिलेंगे कल मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिखा दो आपको, बदी करते हुए दिखा दूँ, शैतानी करते हुए दिखा दूँ, ये देखो ये देखिए, साथ ऐसे हाथों को पटक के नहीं करते, नमस्ते नमस्ते, कितना हाथ, और गुड नाइट बोल दो, अब गुड नाइट बोल दो, कल मिलेंगे, कल मिलेंगे, आप लोग इंतजार करोगे मेरा? हाँ। आप पूछो पूछो आप बोल दिया, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।